चलिए एक और निम सेट टॉपर से मिलते हैं, जिनका ऑल इंडिया रैंक की 11th रैंक है दी, जो कि सिलीगुड़ी से हैं और बहुत ही अच्छी रैंक आई है बेटा आपकी, 11th रैंक है। बहुत 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 सारी बधाई। थैंक यू सो मच सर. आपका ये पूरा मेरा 1 साल आपके मेरा ये पूरा प्रिपरेशन ही आपके वजह से हुआ है. आपको फॉलो करके आपका वीडियो और क्लासेस हर दिन मोटिवेट करता था और हर एक चीज फॉलो कर सिर्फ मैंने फॉलो ही किया है और मेरा अलग से कुछ दिमाग नहीं चला है. जो भी है मैंने गुरु के सामने मेरा मैंने अपना क्या बोले कैसे बोले मेरा वर्ड्स भी नहीं निकल रहे हैं कैसे. बहुत बहुत अच्छी बात है। अभी आपने बहुत अच्छी मेहनत की, क्योंकि आपने लास्ट ईयर भी सेल्फ स्टडी करके दिया था, पर आपकी बाई चांस रैंक नहीं आई। फिर आपने पूरा प्रॉपर गाइडेंस के अंदर पढ़ाई की और आज इतनी अच्छी रैंक अचीव की। तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी जो सक्सेस जर्नी है वो जरूर बताएं, क्योंकि जो बच्चे कई बार डरते हैं या एक्शन लेने से, या कई बार सोचते हैं कि पता नहीं क्या होगा, तो आपकी इंटायर सक्सेस जर्नी क्या है? सर तो पहले से अगर शुरू करा जाए तो मेरा बीएससी से एंड जब से सोचा कि कंप्यूटर साइंस से पढ़ना है, मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है बीएससी ऑनर्स इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता. तो उससे पहले ही मेरे को एमसीए के ये निमसेट के बारे में पता चल गया था, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया था कि करियर प्रोस्पेक्ट क्या है. तो प्रिपरेशन करना वैसे ही चालू कर दिया था, लेकिन थोड़ा बहुत इट वॉज ऑन एंड ऑफ जा रहा था. और उसके बाद जब पैंडेमिक आया मेरा हम लोग का लास्ट ईयर में, उसके बाद सच बताया तो एकदम पढ़ाई खत्म हो गया था. मैंने करना ही छोड़ दिया था, मेरा मन पूरा डिमोटिवेटेड हो गया. एग्जाम भी दिया था लास्ट ईयर तो एकदम एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं था. और रिजल्ट आने के बाद मेरा मन में सिर्फ एक ही ख्याल था कि मैं अपना 100% नहीं दिया हूँ, आई हैव टू गिव माई 100%, ताकि उसके बाद रिजल्ट आए या ना आए, मेरा मैं अगर 100% देके भी अगर नहीं होता तो मैं समझ जाता कि ये मेरे बस की बात नहीं है. लेकिन मेरा था कि एक बार 100% देके देखना है कि क्या रिजल्ट आता है. एंड आपको मैंने बहुत पहले से भी फॉलो किया था, लेकिन कोई कोर्स या फिर नहीं ज्वाइन किया था. लेकिन मैंने सोचा कि हाँ इस साल ड्रॉप देते हैं, बहुत जिन्होंने बोला था, लेकिन मेरे मेरे कहीं ना कहीं आपके ऊपर मेरा विश्वास था, क्योंकि मेरे को लगा था कि आप ही सही मेरे को रास्ता दिखा सकते हो. तो मैंने 1 साल ड्रॉप लिया, बहुत ही चैलेंज था और बहुत सब जगह से बहुत कमेंट्स भी आए कि नहीं करो, टाइम ईयर वेस्ट ना करो. लेकिन मेरा था कि वही 1 साल मेरे को अपने आप ऊपर टाइम देना है, वही है. और अगर कोई डिफरेंस बोलेगा कि लास्ट ईयर के और इस बार के बीच में, तो सिंपल है कि लास्ट ईयर पढ़ाई नहीं किया था, इस साल पढ़ाई किया है, मेहनत किया है तो रिजल्ट आया है. तो वही बात है मेरी. अब बिल्कुल सही बात बोली। अभी क्या होता है, जब हम कभी ड्रॉप लेते हैं तो इस ड्रॉप के डिसीजन में कई लोगों को ऐसा लगता है कि 1 साल खराब हो जाएगा। मैं बोलता हूँ, 1 साल खराब करने के लिए ड्रॉप नहीं ले रहे हो आप। कोई आप मस्ती करना, हुदंगबाजी करने के लिए नहीं, आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ये आपका वो इन्वेस्टमेंट है जो आपके लाइफ के अगले 50 साल बनाने वाला। अच्छा क्या होता है जब हम ड्रॉप लेके पढ़ते हैं, और जो बच्चा ड्रॉप लेता है, ये आपका एक, जैसे अभी मेरी नंदी से भी बात हो रही थी, तो बच्चे ये जब बोलते हैं ना कि सर नहीं होगा कोई बात नहीं, पर हम मेहनत करके देना चाहते हैं अपना 100%, ये एक चीज बहुत विल पावर देती है कि भाई मैंने अपना मेहनत किया। अब आपने खुद इतने अच्छे से बोला कि मैंने लास्ट ईयर पढ़ाई नहीं की थी। जब पढ़ाई नहीं की तो रिजल्ट एक्सपेक्ट करना गलत बात है ना। तो कई बच्चे जो इस बात को समझ नहीं पाते, तो आप इस बात को क्लियर थे, होगा नहीं होगा अलग बात है, मुझे 1 साल देना है, ये एक अच्छा डिसीजन है। और जब हम ड्रॉप लेते हैं तो सराउंडिंग, कई बार रिलेटिव, कई बार फैमिली प्रेशर होता है कि 1 साल खराब ना हो जाए, पर 1 साल खराब नहीं होता, ये आपकी इंटायर लाइफ को बदल देता है। और ये साल आपकी पूरी इंटायर लाइफ को बनाने वाला, इसको खराब क्यों बोला जाए, ये वर्ड गलत होता है, पर जो समझ नहीं पाते उनको समझाने से अच्छा है हम अपने एक्शन में आ जाए। हाँ सर. इसके मेरा फैमिली का बहुत सपोर्ट था. एक एक मात्र फैमिली, मम्मी पापा और मेरा दीदी है, उनका बहुत सपोर्ट था. उनको भी यकीन था कि तुम कर सकते हो, तो उनका सपोर्ट के बिना भी नहीं हो सकता था. और मेरा फ्रेंड्स दोस्त लोग भी बहुत सपोर्ट कर रहे थे. उनको भी मेरा रिजल्ट देख मेरे से ज्यादा उन्हें एक्साइटमेंट हुआ. तो ये बहुत ही मेरे लिए आई एम लकी कि मेरा इतना अच्छा दोस्त लोग भी है. और एक रिजल्ट भी खुशी की खबरी देना चाहता हूँ सर आपको. हेलो मैंने निमसेट के लिए ही प्रिपेयर कर रहा था, लेकिन एक और एग्जाम रहता है चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट सीएमआई में. सीएमआई बोल के एक इंस्टीट्यूट है, उसमें एमएससी इन डेटा साइंस बोल के एक कोर्स है, उसका भी अच्छा एडमिशन कोर्स है हाँ वो।
उसका भी एक एडमिशन टेस्ट होता है हर साल, करीब 50 स्टूडेंट्स को इंटेक करता है। तो इस साल मैंने दिया था, ऐसे ही लिया था कि मेरा मैथ्स तो स्ट्रांग है, तो लकीली या फिर हो गया मेरा भी, उसमें भी हो गया। देखो आपने पढ़ाई की थी, आप मेहनत कर रहे थे, ये पढ़ाई काम आई, तो उसके लिए भी आपको ढेर सारी बेटा शुभकामनाएं। क्या होता है ये सब अचीवमेंट है आपके, ये कहीं ना कहीं आपको आगे जाके बहुत हेल्प करेंगे आपके जॉब में, प्लेसमेंट में, सब जगह। और अभी आपने जो बात बोली, आप चाहो आपके फ्रेंड्स को, अपने पेरेंट्स को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई देना, क्योंकि देखिए अगर हमारा सराउंडिंग, कई बार फ्रेंड्स अगर हमारे ऐसे हो कि जो मान लो कुछ और कर रहा है, मत करो ये वो, पर आपको अच्छा है कि एक ऐसा सर्कल मिला जिसने आपको, उन्होंने भी मोटिवेट किया, फैमिली ने भी किया, तो कहीं ना कहीं आप पूरे साल भर पॉजिटिव बने रहे। हाँ सर, मतलब यही था कि उनका सपोर्ट ही, मतलब हर, जैसे आप बोलते थे कि क्लास में कभी कभी बोलते थे कि दोस्तों से लाइक बात मत करो, लेकिन मेरे को बात नहीं करना पड़ता था, मेरे दोस्तों की बोलते थे कि पढ़ाई करो तुम, हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो उस साइड से मेरा लकी था मैं, और बाकी एक साल मैंने खुद के ऊपर टाइम दिया, शायद ये रंग लाएगा। तो बहुत ही खुशी की बात है। अच्छा आप थोड़ा सा अपने सक्सेस जर्नी में अपनी पढ़ाई का क्या शेड्यूल रखते थे, किस ढंग से आपने टेस्ट दिया, उनके एनालिसिस पे कितना काम किया, क्योंकि कई लोग क्या होता है कि बात ज्वाइन भी करते हैं, बात भी मानते हैं, पर वो अच्छे से फॉलो नहीं करते। तो आप अपनी सक्सेस में इन चीजों को किस ढंग से ऐड करना चाहोगे? एक पहली बात तो लाइक मेरा शेड्यूल ऐसे फिक्स नहीं था, हर टाइम में चेंज होता रहता था, और जैसे मेरा प्रिपरेशन था उसके हिसाब से मेरा लाइक पहले जब शुरू किया था तो मैंने बेसिक से मैंने समझने की कोशिश किया था कि धीरे धीरे समझू और कॉन्सेप्ट्स बनाओ जितना हो सके कर सकूं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लाइक टू बी ऑनेस्ट मेरा मैंने जॉइंट भी दिया था जेई में, मतलब लेकिन प्रिपरेशन नहीं किया था, खुद का सेल्फ स्टडी था, ये पहली बार मैंने सीरियसली पढ़ाई करके दिया, तो मेरे को ये गेम भी समझ में था कि क्या करना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम थोड़ा डिफरेंट है हम लोग का सब्जेक्टिव जो पढ़ाई करते हैं उसके लिए, तो पहले तो वो उसको समझने में चला गया कि टाइम की अच्छे से समझो कि क्या करना है, क्या सब्जेक्ट है, क्या सिलेबस है, मतलब तुम्हारा स्कोप क्या है। आप एक चीज हमेशा बोलते हैं कि आपको पता रहना चाहिए आपको क्या करना है और क्या कर सकते हो, मतलब आपका कितना, मेरा कितना कैपेबिलिटी है, मैंने वो पहले जज किया। फिर मैंने देखा कि बहुत सारे वेज में सब लोग कोई एडवाइस देते हैं, आप भी एक गाइडलाइन दिए थे, मैंने उसको ही फॉलो किया, लेकिन मेरा एक शेड्यूल, मेरा एक खुद का पेस में मैंने पढ़ना चालू किया, क्योंकि मेरे को लगा था कि मैं मतलब सभी लोग अलग होते हैं, मेरा भी अलग तो एक चीज वो है। और टेस्ट के बारे में अगर बोलूं, मतलब मैं वो उसके बारे में बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आपने बहुत सारे टेस्ट लिए, और लास्ट के अगर अप्रैल महीने से बोलूं मैंने अलग से पढ़ाई करना छोड़ दिया, बिकॉज अपने सिलेबस खत्म कर दिया था, और लास्ट के 3-4 महीने मैंने सिर्फ टेस्ट दिए, हर दिन 1-2-3, पहले आपने 1-2 करके होता था, फिर तो 2-3 दिन होता था, और सिर्फ टेस्ट दिए और टेस्ट के एनालिसिस किए। उसमें जो मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ और कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ वो लाइक मेरे को खुद भी रियलाइज नहीं होता कि मैंने ऐसे ही किया था, क्योंकि मेरे को पढ़ने का मन नहीं आ रहा था, क्योंकि सिलेबस हो गया था, तो मैंने सिर्फ टेस्ट ही दिया, और उसके एनालिसिस से बहुत सारे नए चीज भी मतलब और भी आते रहे। और आप एक चीज बोलते थे कि मैं एक बार आपको कॉल किया था तो आप पूछे थे कि मैं आपको फोन क्यों नहीं करता हूं, लेकिन आप एक चीज बोलते थे कि हर टाइम लाइक पहले क्लास में जो क्वेश्चन होता है वो 10th क्लास में जाके खत्म हो जाता है, तो मैंने आपको ही सिर्फ फॉलो किया, आपका लेक्चर लाइक लाइन टू लाइन सुना, आपको मतलब जितना कर सकता था उतना ही किया, और किताब विताब भी लाइक मैंने खरीदा था, लेकिन टू बी ऑनेस्ट आप पूरा DPP और इतना सफिशिएंट मटेरियल था और करने की जरूरत नहीं मिला, लाइक मैं एक किताब वो नया ही पढ़ा है, एकदम फ्रेश नया, शायद रिटर्न करूँ भी तो उतना ही पैसा मिल जाएगा जितना मैं खरीदा था। तो यही था, और हाँ एक यही था लाइक टेस्ट, मेरा एक सजेशन होगा कि लाइक टेस्ट है मतलब सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, लाइक जितना भी पढ़ो लेकिन टेस्ट दो और टेस्ट के एनालिसिस करो, अच्छे से करो, लाइक रिगोरसली करो। मेरा एटलीस्ट 10 से 15 नोटबुक्स टेस्ट के एनालिसिस में गया था, सबका ईच एक एक क्वेश्चन लेके डिटेल में करना था, वही मेरा लास्ट 3-4 महीने का शेड्यूल था। बहुत अच्छी बात बताई अभी, मैं भी हमेशा ये बोलता हूँ, आपने इस बात को बहुत फॉलो किया कि टेस्ट पेपर और उसका एनालिसिस, ये एक ऐसी चीज है
जो आपकी सक्सेस का सबसे बड़ा एक क्राइटेरिया होता है, क्योंकि आप पढ़ तो सब लेते हो, सिलेबस भी कर लेते हो, बट कई बच्चे क्या होता है टेस्ट स्केप कर देते हैं या नंबर नहीं आते तो डर के मारे कर देते हैं। पर जो आपने बोला 15 रजिस्टर आपने एनालिसिस में खर्च किए, वो आपके सामने उसका रिजल्ट है कि आप सीधे आप 11 रैंक में आ गए। 1100 रैंक से आपका 11 रैंक का सफर है, यानी आप 100 का आपने सीधा सीधा डिवाइड किया, ये सबसे अच्छी बात है। और मैं हमेशा भी बोलता हूँ जब कोई बच्चा ड्रॉप लेता है कि अभी जो 4 डिजिट की रैंक को 2 डिजिट या 1 डिजिट में बनाना है वो आपने कर दिखाया, तो ये बहुत ही खुशी की बात है अभी। और ऐसे ही आप सक्सेस रहो, आगे बढ़ो। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, उसमें अपन क्या करते हैं वो भी अभी सोचेंगे कि क्या करना चाहिए। अभी आपके पास समय है, तो वंस अगेन कंग्रेचुलेशन आप अपने पेरेंट्स, अपने बहुत अच्छे दोस्तों को। जैसे मैं दोस्तों के लिए इसलिए मना नहीं करता कि मैं कोई अगेंस्ट हूं, पर इसलिए कि कई बार वो आप डीमोटिवेट ना हो जाओ। पर जिनके ऐसे दोस्त हो जो मोटिवेट कर रहे हो, ऐसे दोस्तों को तो हमेशा अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि वो आपकी एक ताकत होते हैं, वो आपके अंदर एक भरोसा होते हैं कि नहीं यार अपने साथ बहुत लोग खड़े हुए, तो ये एक खुशी की बात होती है। थैंक यू सो मच सर। लाइक मैंने पहले भी बोला था, लाइक मेरा लाइक इस साल का एक मतलब जिंदगी का एक बहुत अहम पड़ाव, लाइक एक नया टर्न अराउंड हुआ है मेरा। लाइक बहुत सारे चीज, लाइक एक और चीज अगर ऐड करना चाहता हूँ, लेकिन मतलब आपके पास मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं होता था, लेकिन मतलब आप ऐसे ऐसे चीज बोलते थे कि मेरा लाइक जिंदगी के तरफ का जो आउटलुक है वो भी बदल गया है। मेरा बहुत नेगेटिव माइंड में रहता था, लेकिन हर समय पॉजिटिव रहना आपने ही सिखाया है कि पॉजिटिव रहना है, हर दिन आगे बढ़ना है। यही बहुत अच्छी बात बोली अभी। देखो मैं हमेशा मानता हूँ, पढ़ाते तो बहुत टीचर है, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, पर मेरा ये मानना है कि आप और क्या नया लर्न कर सकते हैं, आपको लाइफ कैसे जीना है, ये तो एक टर्निंग पॉइंट है ये एक सक्सेस का। पर अभी आपकी इंटायर जर्नी में मैं आपको श्योरली बोल सकता हूँ ये जो एक साल आपने इन्वेस्ट किया ये आपको बहुत काम आएगा। तो अभी ऐसे ही खुश रहो, बहुत अच्छा लग रहा है आपको ऐसे खुश देख के। वंस अगेन कांग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट, बहुत जल्दी हम लोग मिलने वाले। थैंक यू सर, जरूर मिलेंगे। थैंक यू बेटा।